फ्रेंड्स, यदि आप एक सैमसंग का रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हैं या फिर किसी भी ब्रांड का रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हैं, तो इसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस ब्रांड में कौन कौन से फीचर्स आपको अवेलेबल हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के बेस्ट बाइंग रीज़न के बारे में। तो सैमसंग का यदि रेफ्रिजरेटर आप लेना चाह रहे हैं, तो सैमसंग के अंदर कौन कौन से बेस्ट बाइंग रीज़न है जिस कारण से आप उस रेफ्रिजरेटर को परचेस कर सकें, तो आज इस वीडियो में हम पूरी इसी टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूँ आप के अपने YouTube चैनल Prime TV Tech में। और आपने अभी तक Prime TV Tech चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जब भी हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग के बेस्ट फीचर्स की, जो कि है कन्वर्टेबल मोड। तो फ्रेंड्स, इस मोड के ऊपर हमने कन्वर्टेबल 5-in-1 के ऊपर हमने स्पेशली एक वीडियो बना लिया है। कि आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें हमने डिटेल से बताया है कि 5-in-1 जो मोड है वो किस तरीके से काम करता है और इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो इसमें जनरली मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको 5 मोडों में आपके रेफ्रिजरेटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको देखने को मिलता है, ये फीचर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल फीचर है। तो ज़रूर आप इसके डिटेल में वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फ्रेंड्स, अब अगले रीज़न की बात करें तो अगला रीज़न है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, ये जो सैमसंग में डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट आपको ये देखने को मिलता है कि इस कारण से, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के कारण से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 30-40% तक की इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करने को मिल जाती है यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपका फीचर्स देखने को मिल जाता है सैमसंग रेफ्रिजरेटर के अंदर। फ्रेंड्स, अगले रीज़न की बात करते हैं तो अगला रीज़न है स्मार्ट कनेक्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा अभी भी एरिए ऐसे हैं जहाँ पर लाइट का आना जाना लगा रहता है, लाइट बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो वहाँ पे यदि आप अपने इन्वर्टर पे, जो आपका होम का इन्वर्टर है, तो वहाँ पे यदि आप अपने घर के इन्वर्टर में यदि आपके रेफ्रिजरेटर को कनेक्ट करते हैं, तब भी आपका रेफ्रिजरेटर रन करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स देखने को मिल जाता है सैमसंग रेफ्रिजरेटर के अंदर। फ्रेंड्स, अगले रीज़न की बात करें तो अगला रीज़न है सोलर कनेक्ट। तो फ्रेंड्स, आपके रेफ्रिजरेटर को यदि आपके यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है तो आपके रेफ्रिजरेटर को आप डायरेक्ट सोलर लाइट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपका रेफ्रिजरेटर सोलर लाइट से भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग रेफ्रिजरेटर के अंदर। फ्रेंड्स, अगले रीज़न की बात करें तो अगला रीज़न है कर्ड मैस्ट्रो। फ्रेंड्स, ये इनोवेशन इसी साल ही हुआ है और काफ़ी शानदार फीचर है आपको और लेटेस्ट केवल सैमसंग में देखने को मिलता है आपको ये फीचर। तो काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। यदि आपने कर्ड मैस्ट्रो वाली यदि वीडियो हमारी नहीं देखी है, डिटेल से जानना चाहते हैं कि क्या फीचर है कर्ड मैस्ट्रो का, तो आप आई बटन में क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें हमने डिटेल से बताया है कि कर्ड मैस्ट्रो क्या फीचर है, आपको क्या बेनिफिट इसमें देखने को मिलेगा और किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो डिटेल से वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी जितने भी फीचर मैंने बताए तो ये आपको सैमसंग के अंदर जो बेस्ट फीचर हैं सभी मैंने बता दिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। बिना स्टेबलाइजर के भी आप सैमसंग के रेफ्रिजरेटर को कहीं भी, मतलब आपके घर में बिना स्टेबलाइजर के भी रन कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको अदर रेफ्रिजरेटर्स में भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डोर अलार्म का फीचर देखने को मिल जाता है आपको। साथ में एक और स्पेशल चीज़ बता देता हूँ मैं सैमसंग रेफ्रिजरेटर की, कि ये VDE द्वारा सर्टिफाइड है। फ्रेंड्स, VDE में ये आपका सैमसंग का जो रेफ्रिजरेटर है, यानी इसका जो कंप्रेसर इसके अंदर जो यूज़ किया जाता है, तो वो VDA सर्टिफाइड है, क्योंकि 21 ईयर्स तक का इसकी जो लाइफ है 21 ईयर्स तक की है। तो यहाँ पे ये आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर, यदि आप एक बार रेफ्रिजरेटर जो परचेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग रहेगा, यानी कि 21 ईयर्स तक का आपका मिनिमम आपका जो इसका जो लाइफ है 21 ईयर्स तक की लाइफ इसकी VDA द्वारा सर्टिफाइड है, मतलब चेक की गई है 21 ईयर्स तक आपका जो सैमसंग का कंप्रेसर होता है वो रन करता है। तो अच्छा बेनिफिट आपको ये देखने को मिलता है कि आप यदि एक बार यदि पैसे खर्च कर रहे हैं सैमसंग के रेफ्रिजरेटर में, तो आपका ये रेफ्रिजरेटर जो है लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज के हमने जितने भी फीचर्स आपको बताएं, जितने भी रीज़न हमने आपको बताए हैं सैमसंग रेफ्रिजरेटर के, तो इनको सुनने के बाद में आप सैमसंग रेफ्रिजरेटर परचेज करने का प्लान यदि कर रहे हैं तो कर सकते हैं।
तो यदि आपके मन का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा सैमसंग रेफ्रिजरेटर को लेकर के, तो आने वाली वीडियोस में हम आगे काफ़ी सारे और भी वीडियोस बताएंगे अदर अदर ब्रांड्स के ऊपर, मैं एलजी के ऊपर और भी जितने अदर ब्रांड्स हैं सभी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें वैसा पहला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल चुका है। तो मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।